Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, आज की वीडियो में हम बात करेंगे H&M Home Products का. Yes, finally H&M Home इंडिया में लॉन्च हो चुका है on March 3rd. तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे को बहुत दिन से चाहिए थे. So, yes, हम वो प्रोडक्ट्स आप लोगों को खोल के दिखाएंगे और पैकेजिंग भी दिखाएंगे, बॉक्सेस वगैरह भी दिखाएंगे. सो अगर आपको देखना है कि H&M होम प्रोडक्ट्स ने क्या क्या लॉन्च किया है और कितने प्राइस रेंजेज में लॉन्च किया है, यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग. सो बॉक्स कुछ इतना बड़ा है और बिकॉज इसमें बहुत सारे सामान है, बहुत सारे मीन्स मेरे बाथवेयर ज्यादा है इसमें और एक आइटम है जो किचन वेयर रिलेटेड है. सो ऑल इन ऑल ये बॉक्स इंटायरली इतना बड़ा है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसमें लिखा हुआ है फ्रेजाइल, क्योंकि इसमें कांच का सामान है. सो ओवरऑल आउटर पैकेज मेरे को H&M का बहुत अच्छा लगा. ना अंदर में देखते हैं कि इसमें कैसे इन लोगों ने ये चीज सेंड किया था. पैकेजिंग कुछ ऐसा है जैसे कि आप देख रहे हो कि टॉवल वगैरह ही ज्यादा है इसमें, मतलब कपड़े वाला सामान ज्यादा है. बट आई थिंक देयर इज वन बॉक्स जिसमें मेरे को वो टम्बलर ग्लास मिला है. आई मीन आई हैव गॉट दैट ग्लास फॉर मी एंड आई विल ओपन अप एंड आई विल शो यू दैट. बट अभी फिलहाल ये वाला देखते हैं अंदर कैसे पैकेजिंग आया था. सो दिस इज हाउ दे सेंड मी द पैकेजेस. पेपर पैकेजेस है सारे के सारे, नो प्लास्टिक, नथिंग. ये ओ माय गॉड, मेरे को तो ये बहुत दिक्कत हो रहा है ये पुल करने में. ये इतना बड़ा एक बॉक्स है. द पार्सल बॉक्स इज ह्यूज एंड हैवी. इस बॉक्स में मैंने अपने कुछ सामान मंगाए हैं होम प्रोडक्ट्स के H&M के. उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी यहाँ पे कि द मिनिमम प्राइस फॉर दिस, इस बॉक्स में जो प्राइसेस हैं यहाँ से स्टार्टिंग है 299. मैंने दो टम्बलर ग्लासेस खरीदे हैं. सो आई विल शो यू दैट इन नो टाइम. और जैसे कि आपने पैकेजिंग देखा कि पैकेजिंग कैसा था एंड हाउ डिड आई ओपन इट, अब अंदर में एक एक चीज निकाल के आई विल शो यू गाइज. सो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये दो टॉवल. और इस टॉवल का प्राइस था 2300 आई थिंक. अगर प्राइस गलत हो रहा होगा तो वो अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना. और इसका सेंटीमीटर है, आई मीन द डायमेंशन इज 100x150. तो इस टॉवल का मेरे को कलर कैसा लगा, आई विल ओपन अप दैट. सो दिस इज हाउ दे केम. वाओ, बहुत ही लग्जूरियस लग रहा है मेरे को तो, बहुत ही ज्यादा लग्जरी लग रहा है. सो ये ग्रे कलर वाला है. ऐसे तो इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे बिकॉज मेरे को और शोविक को दोनों को ये यूज करना है. सो वी वर इन अ डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डायमेंशन, मतलब सेंटीमीटर से हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था. बिकॉज अगर आप बाथ टॉवल देखोगे तो वहां पे दो तरीके के हैं, एक बाथ टॉवल नाम से है और एक बाथ शीट है. सो आई थिंक दिस वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वन इज द बाथ शीट. अगर आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा तो वो कलर्स भी दिख जाएंगे आपको. सो आई चोज द ग्रे वन बिकॉज शोभिक को ग्रे और ब्लैक चीजें पसंद है. दैट्स वाई वी चोज दिस. एंड हमको, मेरे को वो लेंथ भी देखना था बिकॉज लेंथ में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था. तो यस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड यस, इसका प्राइस तो हम आपको बताए. ओके यस, दिस इज द बाथ शीट एज यू कैन सी इज शोइंग हियर एंड दिस इज अ पैक ऑफ टू. और इसका सेंटीमीटर ऑफ कोर्स दैट आई सेड ऑलरेडी. तो इसका प्राइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्यों नहीं है. ओ यस, हाँ है, 2300. आई एम राइट विद द प्राइस एज वेल. नाउ सेकेंड इज अ बाथ रोब. मेरे को बाथ रोब, आई कैन टेल यू गाइज, आई वॉज लुकिंग फॉर अ बाथ रोब लाइक द लॉन्गेस्ट टाइम. कहीं पे भी मेरे को मेरे तरीके का जैसा मेरे को चाहिए था ना, जैसा सेलिब्रिटी लोग यूज करते हैं लाइक द बाथ फैब्रिक वाला, आई मीन द टॉल फैब्रिक वाला चीज जो पूरे रहता है स्लीव्स वगैरह और सेलिब्रिटी वो पहनते हैं. सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाथ रोब तो मेरे को नहीं मिला. एट द सेम टाइम मेरे को क्या मिला, वो ये ग्रे कलर वाला एज यूजुअल. बिकॉज अगर हम ग्रे टॉवल रखते हैं या ग्रे टॉवल बाथ शीट रखते हैं तो ऑब्वियसली मेरे को सेम कलर का बाथरूम भी चाहिए था. और ये वाला वो बाथरूम है. लेट मी ओपन दिस अप.
ऑफ कोर्स द पैकेजिंग इज वेरी नाइस. आप कंप्लेन नहीं कर सकते अपने पैकेजिंग को लेके व्हेन इट कम्स टू H&M, बिकॉज H&M बहुत अच्छा पैकेजिंग करके भेजता है. सो आई कैन टेल यू दैट एज वेल. सो अगेन इसका भी प्राइस 2299 है, दैट इज 2300. और ये क्योंकि मेरे को साइज कंफ्यूजन था, ऑफ कोर्स ये मेरे साइज का नहीं है, दिस वन इज इन द साइज ऑफ LXL, तो मेरे को लगता नहीं है दिस विल फिट मी. और ये रिसाइकल पॉलिएस्टर से बना हुआ है, ऑफ कोर्स इसमें फिर से लिखा हुआ है होम. आप देखोगे तो ये वो टेक्सचर का है, लाइक जो स्क्वायर टेक्सचर्स आते हैं ना, वैसा है. ये बेल्ट है ऑब्वियसली, बट आई डोंट थिंक सो दैट आई विल गोइंग टू कीप इट, बिकॉज ये तो मेरे को लगता है बहुत ही बड़ा है मेरे से. सो आई डोंट थिंक आई विल गोइंग टू कीप इट. सो अगर हम ये भी नहीं रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि आई विल कीप दिस एज वेल, बिकॉज मेरे को फैसिनेशन है कि आई विल वेयर द सेम बाथरूम विद द सेम बाथ. थर्ड प्रोडक्ट इज अगेन अ टॉवल. एज आई सेड कि मेरे को टॉवल के डायमेंशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था. सो दिस वन इज इन द शेड, आई थिंक वो कौन सा ग्रीन कलर है ना, ये वो जो ग्रीन कलर बहुत ज्यादा चल रखा है अभी. सो दिस इज दैट ग्रीन कलर. और इसका डायमेंशन था 70x140 एंड ये थोड़ा सस्ता था, बिकॉज इसमें आई मीन ये छोटा भी है बास शीट से, तो इसका प्राइस ओनली 1500 है और ये पैक ऑफ टू है. आई सेड मेरे को प्राइस से भी ज्यादा मैटर कर रहा था मेरे लिए द कलर दैट आई एम चूजिंग, द फैब्रिक दैट आई एम चूजिंग. सो अगेन मेरे पास ये चौथा प्रोडक्ट है विच इज अगेन अ बाथरोब, और ये इस कलर से मिलता जुलता है समवे और दी अदर, पूरा तो नहीं बट मैचिंग कर रहा है. साइज ऑफ S and M, आई थिंक यही मेरे को सूट करेगा, आई थिंक सो, क्योंकि ये ही मेरे साइज का है. Anyways, कुछ गंदा लगा हुआ था. एंड यस बाथरूम में इसमें पॉकेट भी है विच इज अ वेरी गुड थिंग, मेरे को चाहिए ऐसा. बट ये हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये बाथरोब है, इसको आप ड्रेस रोब भी बोल सकते हो. मेरे को लगता है कि हम ये आफ्टर बाथ यूज कर सकते हैं एंड आई थिंक दिस इज फॉर माई फिट, एब्सोल्युटली दिस इज फॉर मी. यस एज यू कैन सी ये S और M साइज का है एंड प्राइस इज 2300. आप लोगों ने मेरा रूम नहीं देखा, अगर आप रूम देखोगे मेरा ना तो आपको हमेशा दिखेगा कि आइदर आई एम सो फैसिनेटेड विद ग्रे, विद बेज, विद क्रीम कलर, जो बहुत ज्यादा डल और म्यूटेड कलर होता है ना, मेरे को उन सारे वो सारे चीजें बहुत पसंद आता है. फॉर्चुनेटली आज की बेडशीट में कम से कम कलरफुल दिख रहा है, अदरवाइज आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना तो आपको सिर्फ दिखेगा या फिर मैं ग्रे कलर का बेडशीट लगा रखा है या फिर बेज कलर का या लैवेंडर कलर का, मतलब जो कलर ना आई इसको बहुत सूद करता है या मतलब म्यूटेड कलर होता है, मेरे को वैसे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं. सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस बाथरूम, बिकॉज इसका कलर मेरे को बहुत सूट किया था. बट एट द सेम टाइम आई थिंक डस्टी पिंक वॉज द वन आई वॉज चूजिंग, बट पता नहीं क्या हुआ एट द एंड आई चोज दैट, बिकॉज अगर शोविक को भी बात टावल अगर यूज करना, बिकॉज दिस इज अ पैक ऑफ टू और मेरे को डेली बेसिस पे तो दो टावल लगेंगे नहीं, तो इफ आई हैव टू चूज आई कांट चूज अ डस्टी रोज पिंक फॉर अ गाय, तो इसीलिए मेरे को चूज ऐसा कलर करना पड़ा जो हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस टू. साइज कंपेरिजन, मतलब साइज अगर देखते हैं तो ये है मेरा पूरा टावल, द बाथ टावल, दिस इज द साइज. और अगर ग्रे का साइज देखते हैं तो वो है कुछ इतना बड़ा, इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक अ बेड शीट, सिंगल बेड शीट लग रहा है, देखो इतना बड़ा है. सो अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं लगता है कि आई विल कीप दिस ग्रे वन, बिकॉज ये ह्यूज है, हम इतने से और ये टावल इतना ह्यूज है. So I don't think I will keep this one. But I think I will going to keep this. Because ये accurate size है. मेरा next होगा ये box. इस box के अंदर tumbler है. That is a glass. Drinking glass drink वाला है. I mean what would I say? Like it's a glass for drinking purpose. So मेरे को वो क्या हो गया ना आजकल, मेरे को कटलरी सेट, डाइनिंग टेबल, डिशेज, ग्लासेस,
इन सबका बहुत फैसिनेशन है, बहुत ही ज्यादा। मेरे फ्रेंड्स को अगर आप पूछोगे तो वो लोग आपको जरूर मेंशन करेंगे कि यस शी इज सो इनटू बारटेंडर काइंड ऑफ थिंग। मेरे को वो फैंसी ग्लासेस जो कॉस्मोपॉलिटन जिसमें मिलता है ना, जो ऐसा रहता है एंड यू हैव टू जस्ट होल्ड लाइक दिस एंड हैव टू ड्रिंक, मेरे को वो सब चीज ना बहुत फैंसी लगता है और वो मेरे को बहुत सूट करता है। सो सम हाउ वी गॉट टू ग्लासेस फॉर अस, मतलब मेरे और शोभी के लिए मैंने दो ग्लासेस ऑर्डर कराए और वो ग्लासेस क्या है, माई गॉड लुक एट दिस ग्लास। ये ना वो स्मोकी होता है ना, जब आप कोई चीज लाइक दिया जब जलाते हैं हम लोग और उसको ऐसा अगर ढक दिया जाए तो उससे जो स्मोक से जो एक पैटर्न क्रिएट होता है वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है। ये इट्स लाइक ये ओम्ब्रे कलर लग रहा है कि जितना नीचे आ रहा है उतना डार्क है और जितना ऊपर जाता जा रहा है वो फेड होता जा रहा है। सो दिस इज द टम्बलर एंड दिस इज द चीपेस्ट वन दैट आई गॉट, इट्स लाइक 299। ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू वन थिंग कि हाँ इससे भी सस्ता आपको ग्लासेस मिल जाएगा। द ओनली थिंग इज दैट आप जब इसको छूओगे, जब आप इसको हाथ में लोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये ग्लास बहुत अच्छा है, क्वालिटी का है। आई मीन ग्लासेस का क्वालिटी क्या होता है पता नहीं, बट ये थोड़ा हैवी है। इसके रिम्स का अगर आप देखोगे मीटर, आई मीन द थिकनेस, वो थिकनेस भी इसमें बहुत अच्छा है। सो ऑल इन ऑल प्राइस इज वेरी सब्जेक्टिव फॉर मी यू गाइज। आपके लिए प्राइस 500 भी चीप हो सकता है और आपके लिए 500 भी बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये अब आप पे है कि आप कौन से कैटेगरी में अपने आप को रखते हो, वेदर दिस थिंग्स आर नेसेसरी फॉर यू। आपको अमेजोन में शायद इससे सस्ता मिल जाएगा, अग्रेड। आपको अमेजोन में बहुत सारे वैरायटी के चीज मिलेंगे, अग्रेड। बट द थिंग इज दैट अगर आप में वो एक होता है ना कि पीपल आर इंटेंट टू बाय थिंग्स व्हेन दे सी फ्रॉम अदर्स, और जब आपको ऑल्टरनेटिव वेज में अच्छे ऑप्शन मिलने लग जाते हैं। Amazon से हम लोगों ने भी बहुत कुछ खरीदा है, बट द थिंग इज दैट आई कैन टेल यू वन थिंग, मेरे बहुत सारे होम डेकोर के सामान रिसेंटली मैंने खरीदा था बिकॉज हम लोगों का होम रेनोवेट हुआ था थोड़े दिन पहले, तो ऐसा बहुत कुछ था कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था Amazon से। आई कैन टेल यू समथिंग, फ्रॉम कारपेट टू किचनवेयर टू बाथवेयर, एवरीथिंग आई गॉट एवरीथिंग फ्रॉम Amazon, एंड आई कैन टेल यू कि हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। इतनी बार मेरे को चीजें रिटर्न करनी पड़ी है ना कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। और आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट Amazon, ठीक है, बिकॉज Amazon इज बीन क्वाइट सम टाइम हियर और H&M ने अभी अभी जस्ट होम लॉन्च किया है इंडिया में। अदरवाइज होम बाहर के कंट्रीज में बहुत पहले से अवेलेबल है विथ अ स्टोर। तो अनफॉर्चुनेटली कोलकाता में तो सिर्फ एक ही H&M है जो आपका एलिगेंट रोड में है, बट एट द सेम टाइम अभी तक होम नहीं आया है। सो आई होप दैट दे कैन सून लॉन्च द H&M ब्यूटी, बिकॉज H&M ब्यूटी इंडिया के बाहर बहुत सारे कंट्रीज में बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो आई एम होपिंग फॉर दैट कि कब इंडिया में H&M ब्यूटी लॉन्च होगा। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, ग्लासेस इज नॉट एट ऑल चीप। आप जब इसको हाथ में लोगे, आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि यस दिस इज अ लग्जरी प्रोडक्ट, आपको फील आएगा वो। हम बहुत दिन से कुछ शैंपेन ग्लासेस लेने का सोच रहे थे, मेरे को वो सारे फैंसी चीजें बहुत अच्छी लगती है, मेरे को होम डेकोर उतना पसंद नहीं आता है, बट व्हेन इट कम्स टू किचन वेयर मेरे को किचन से बहुत प्यार है। आई हैव सम ऑब्सेशन किचन वेयर से, लाइक ग्लासेस, कांटा चम्मच, चम्मच, इन सब चीज से मेरे को बहुत फैसिनेशन है, दिस थिंग्स लाइक बहुत मेरे को अट्रैक्ट करता है। तो आई होप इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली बाय फ्यू थिंग्स फ्रॉम देम नाउ, क्योंकि अब हम लोगों ने देख लिया है कि हाँ H&M चीप प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा है, या जो पैसा उन लोग ले रहे हैं आपसे वो आपको उस लायक का सामान दे रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैंने कम सामान मंगाया है अभी तो बहुत चीजें मंगाना बाकी है, बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू कि हाँ कुछ प्रोडक्ट्स के आपको ओवर प्राइस दिखेंगे। नाउ दिस इज द सेकेंड ग्लास, सेम ही है बट फिर भी खोल के दिखा देते हैं ताकि पैकेजिंग आपको लगे कि सेम है। ओ माय गॉड, आई बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये थोड़ा टाइट है। नाउ अगेन एज आई सेड, मेरे और शोभिक के लिए दो कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास चाहिए था, सो दैट वी गॉट फ्रॉम देयर दिस टम्बलर ग्लास। ओके, इसके भी साइजेस बहुत सारे थे, प्लस इसके पैटर्न्स भी बहुत सारे थे। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को ये वाला सबसे अच्छा लगा। इसका छोटा भी साइज था, फिर इसके पैटर्न्स में बबल्स वाले भी थे, मतलब पूरा ग्लास में बबल बनाया हुआ था। इफ पॉसिबल हम स्क्रीन में दिखा देंगे, आप एक बार चेक कर लेना। सो ऑल इन ऑल मेरे को सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा लगा, बहुत।
क्या लगता है कि आप इससे सस्ता आपको मिल सकता है मार्केट में? ऑफ कोर्स, बट इससे अच्छा मिल सकता है क्या? दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल, क्योंकि आप अमेजोन में 500 का चीज ले तो सकते हो. जस्ट सपोज ऐसा बाथरूम, आपको पहला बात तो ये बाथरूम मिलेगा नहीं अमेजोन में, बिकॉज मैंने ट्राई किया है, और अगर मिलता भी होगा तो आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सा सेलर बेच रहा है उसको. एनीवेज, आई एम नॉट हियर फॉर एनी डिसलाइक और लाइक वाला थिंग में, बिकॉज H&M, I'm happy that H&M has came up with these things. और हम future में बहुत बहुत चीजें खरीदेंगे, just like मेरा bedsheet. Bedsheet, मेरे जो bed का size है ना, वो ऐसा है कि सिर्फ Amazon का जो खुद का brand है Solimo का, I think Amazon Solimo का एक चादर का जो size आता है सबसे बड़ा वाला, जो sheeted वाला flat sheet plus वो fitted वाला, मतलब जो मतलब rubber से जो stick किया जाता है अंदर चादर, सिर्फ वही एक मेरे बेड पे एग्जैक्ट साइज का आता है. अदरवाइज हम बॉम्बे डाइन से लेके बहुत सारे ब्रांड्स चेक कर चुके हैं, बट मेरे को वो उस साइज का मेरे को कभी मिला ही नहीं. तो नाउ दैट आई हैव H&M विद बंच ऑफ ऑप्शंस, हम जरूर बेडशीट तो जरूर खरीदेंगे. और हाँ, एक कुशन कवर मेरे को बहुत पसंद आया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे आज भी विश लिस्ट में रखा हुआ है, बट वो आउट ऑफ जस्ट 2 मिनट्स के लिए वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया. नाउ अब आपको डिसीजन लेना है कि आप H&M के होम को प्रेफर करते हो या नहीं. बिकॉज करते हो तो बहुत अच्छा है, आपका लॉस नहीं है, बिकॉज आई नो दैट दे विल नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर क्वालिटी. व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, आई कैन बेट यू ऑन दैट कि ना ही वो अमेजोन आपको कवर कर सकता है, ना ही वो आपको कोई और ब्रांड, हम बाकी ब्रांड्स के नाम नहीं लेंगे, क्योंकि एज आई सेड मनी इज वेरी सब्जेक्टिव फॉर मी. आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आप कभी H&M के प्रोडक्ट्स खरीदे हुए या नहीं, या आपको क्या लगता है कि H&M के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है या नहीं. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.